तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्यूज बढ़ाने का 4 तरीका बताऊंगी। ये तरीका को आप फॉलो करके अच्छा खासा अपना वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं, क्योंकि आप देखते ही होंगे बड़े बड़े क्रिएटर को, वो लोग सिर्फ आपको यही बताते हैं कि वीडियो अपना चैनल पर डेली डालो, डेली वीडियो डालो, कोई ना कोई उसमें वायरल होगी और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और वीडियो पर व्यूज आने लगेगा। लेकिन डेली वीडियो डालने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना चैनल पर कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी कोई भी कंटेंट उठा के अपना चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करेंगे और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा और आपका चैनल पर व्यूज आने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अपना चैनल पर डेली वीडियो डालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसा वीडियो डालना है जिससे कि आपका चैनल पर वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, 4 तरीका से आप अच्छा खासा अपना चैनल पर व्यूज बढ़ा सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है जिससे कि आपका चैनल पर वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज आएगा, क्योंकि YouTube आपको खुद सजेस्ट करता है कि आपको कैसा वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोग आपका वीडियो देखे। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा वीडियो बनाना है अपना चैनल पर, क्योंकि हम अपना चैनल पर कुछ भी वीडियो नहीं डाल सकते हैं जो आपके ऑडियंस को पसंद है, जो आपका ऑडियंस जो वीडियो देखना चाहते हैं वही वीडियो आप अपने चैनल पर डालेंगे तो आपका ऑडियंस आपका वीडियो ऑटोमेटिक आपका चैनल पर आके वीडियो देखेंगे। और वीडियो देखने का मतलब है आपका चैनल पर व्यूज बढ़ेगा। और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, क्योंकि व्यूज आएगा तो वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होगा। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन पे करके दिखाती हूँ। तो साइड में आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे अपना YT स्टूडियो ओपन करती हूँ। आपको भी अपना YT स्टूडियो इसी तरह ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हैं डैशबोर्ड, कंटेंट और एनालिटिक्स का ऑप्शन है, तो आपको एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे आपको ऊपर देखने को मिलेगा ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस और रेवेन्यू। आपका चैनल मोनेटाइज है तो रेवेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, और आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंटेंट पे आना है। कंटेंट पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का ये सब खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, व्यूज, टॉप वीडियो, मतलब कि आपका चैनल पर सबसे टॉप वीडियो कौन सा है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये समझिए, यहाँ पे देखिए ये लास्ट 28 दिन का दिखा रहा है। आप ये डॉट पे क्लिक करके लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हैं, रियल टाइम 48 आवर का भी देख सकते हैं, 60 मिनट का भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 28 डेज का देखते हैं, तो लास्ट 28 दिन में आपका वीडियो कहाँ कहाँ से देखा गया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में YouTube सर्च, मेरा चैनल पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे YouTube सर्च है। उसके बाद ब्राउज फीचर है, नोटिफिकेशन है, चैनल पेज है, सजेस्टेड वीडियो है, और यहाँ पे अदर YouTube फीचर्स लिखा हुआ है। एक्सटर्नल से भी मेरा कुछ व्यूज आया है, हैशटैग पेज से भी यहाँ पे मुझे व्यूज आया है। तो आप अपना चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक और गलती करते हैं, आप झटपट में वीडियो बनाते हैं, टाइटल डालते हैं और वीडियो को अपलोड कर देते हैं, उसको पब्लिक कर देते हैं, लेकिन आप अपना वीडियो पर हैशटैग लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि हैशटैग से भी हमारे चैनल पर व्यूज इंक्रीज होता है। तो आप अगर अपना वीडियो पर हैशटैग नहीं लगाते हैं तो हैशटैग लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप अपने डिस्क्रिप्शन में हैशटैग नहीं डालेंगे तो वहाँ से व्यूज नहीं आएंगे। तो ये गलती भी आप करते होंगे, तो इसको सुधार लें। अपना वीडियो, कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हैशटैग का यूज जरूर करें। जैसे कि एग्जाम्पल मेरा देख सकते हैं, हैशटैग पेज से भी मुझे यहाँ पे व्यूज मिला है। तो आपको भी अपना चैनल पर हैशटैग लगाना जरूरी है। उसके बाद नीचे देखेंगे डायरेक्ट और अननोन से मेरा व्यूज आया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एंड स्क्रीन, मतलब कि जो भी एंड स्क्रीन का मतलब है कि आप वीडियो अपना बनाते हैं और लास्ट में वीडियो का लास्ट में देखेंगे कोई भी यूट्यूबर का, तो छोटा छोटा वहाँ पे आपका वीडियो का लोगो दिखेगा, वीडियो का थंबनेल दिखेगा और साइड में आपको लोगो भी दिखेगा। तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका दूसरा वीडियो प्ले हो जाता है। तो यही होता है एंड स्क्रीन। आपको भी अपना चैनल पर एंड स्क्रीन लगाना जरूरी है, एंड स्क्रीन से भी आपका व्यू जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना चैनल पर कोई वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो किसी को पसंद आ गया और भी वीडियो देखना चाहते हैं, और आपका वीडियो जैसे ही खत्म होता है वहां पे बहुत सारे वीडियो आ जाता है, उनमें से आपका ऑडियंस को कोई भी वीडियो अगर अच्छा लगता है देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके वो डायरेक्ट आपका वीडियो पे देख लेते हैं। तो आपको
अपने चैनल पर एंड स्क्रीन भी लगाना जरूरी है। अगर आप अपना चैनल पर एंड स्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आप अपना चैनल पर लगाइए, इससे भी आपका व्यूज इंक्रीज होगा। तो ये हो गया एंड स्क्रीन। प्लेलिस्ट यहाँ पे है, तो आप अगर अपना चैनल पर प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं तो प्लेलिस्ट भी बनाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट से भी आपका व्यूज आता है। वहाँ पे प्लेलिस्ट से भी लोग आपका वीडियो देखते हैं कि आपने अपने चैनल पर क्या क्या चीज़ों का वीडियो बनाया है, किसके ऊपर वीडियो बनाया है। और अलग अलग सभी क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिएटर को भी देखेंगे कि अलग अलग जिस भी टॉपिक पर वीडियो रहता है वो अलग अलग अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो आप भी अपना चैनल पर प्लेलिस्ट बनाएं, यहाँ से भी व्यूज इंक्रीज होता है। तो ये हो गया पहला तरीका। ये तरीका से भी आप अपना चैनल पर व्यूज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप अपना चैनल पर ये हैशटैग लगाएं, एंड स्क्रीन लगाएं, जो आई कार्ड का ऑप्शन होता है ये सारा कुछ लगा के यहाँ से इस तरीके से व्यूज बढ़ा सकते हैं। तो अब हम दूसरा तरीका की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे ये देखिए, स्क्रॉल करके थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ पे YouTube सर्च टर्म का दिखा रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, लास्ट 28 दिन का मैं दिखा रही हूँ, आज चाहे तो यहाँ पे 7 डेज या 48 आवर या 90 डेज का देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 28 दिन का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, YouTube सर्च टर्म मतलब कि YouTube पर ये चीज़, ये टाइटल सब YouTube पर सर्च किया गया है, उसके बाद आपका वहाँ पे वीडियो मिला है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, जितना भी यहाँ पे टाइटल दिया गया है ये सारा टाइटल को आपको इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए यहाँ पे, सेकंड में YouTube वीडियो को रिकमेंडेशन में कैसे लाए, कमेंट्स को टर्न ऑफ कैसे करें। तो ये सर्च टर्म यहाँ पे, ये टाइटल सर्च किया गया है यूट्यूब पे, उसके बाद आपका वीडियो देखा गया है। इसका मतलब आप इसी से रिलेटेड और भी वीडियो अपना चैनल पर डालें, जिससे कि आपका ऑडियंस इसी टाइप का वीडियो आपके चैनल पर देखेंगे। आपको भी यही टाइटल यूज करके अपना चैनल पर वीडियो बनाना है। जितना भी यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं सारा टाइटल को यूज करें और इसी टाइप का आप वीडियो अपना चैनल पर बना के डालें, यहाँ से आपका व्यूज इंक्रीज होगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये तरीका से भी आप अपना चैनल पर व्यूज बढ़ा सकते हैं। अब हम तीसरा तरीका की बात करते हैं, तीसरा ट्रिक की। तब आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए कंटेंट सजेस्टिंग यू दिखा रहा है, मतलब कि YouTube खुद आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। देखिए लास्ट 28 दिन में देखेंगे तो मेरा यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड है, तो मैं अगर यहाँ से वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक पर तो मेरा व्यूज जितना आता है उससे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपको खुद YouTube सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि आप अगर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो पर व्यूज आएगा। तो ये तरीका को आपको मेन यहाँ पे आपको फॉलो करना है। जितना भी आपके आप लोग अपना अपना कैटेगरी का वीडियो होगा, कुछ लोग मेकअप टिप्स देते होंगे, कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग कुकिंग करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सजेस्टेड में भी, कंटेंट सजेस्टिंग यू में भी अलग अलग टाइटल होगा। तो उसी टाइटल को यूज करके अपना चैनल पर वीडियो बनाएं और उसके बाद वो वीडियो अपना चैनल पर अपलोड करें, फिर देखिएगा व्यूज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तरीका बहुत लोग यूज करते हैं और यहाँ से व्यूज आता है। मैं भी यहीं से अपना टाइटल को फाइंड करती हूँ, उसके बाद उसी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ। तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो ये देखिए इस तरह का आपको फिर से यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरह नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑडियंस पे हमें जाना है। पहले तो हम यहाँ पे कंटेंट का मैं सारा कुछ दिखा दी हूँ, अब हमें यहाँ पे ऑडियंस पे जाना है। ऑडियंस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखिए सबसे लास्ट में दिखा रहा है अदर चैनल्स डैट योर ऑडियंस वॉच, मतलब कि आपका ऑडियंस आपके अलावा ये सारा चैनल्स का वीडियो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा चैनल आ जाएगा जो भी आपके ऑडियंस ये चैनल सब देखते हैं। तो आपको दिमाग क्या लगाना है कि आपको सारा चैनल्स को चेक करना है कि आप जिस भी कैटेगरी में है, जैसे कि मेरा टेक्निकल चैनल है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखूंगी कि मेरे कैटेगरी में कौन कौन सा चैनल है। यहाँ से जैसे कि मैं YouTube टिप्स देती हूँ तो YouTube टिप्स से रिलेटेड ही यहाँ पे कौन कौन सा चैनल है, तो वो चैनल पर मुझे विजिट करना है। विजिट करने के बाद देखना है कि वो क्रिएटर कैसा वीडियो अपना चैनल पर बना रहे हैं, व्यूज से रिलेटेड, सब्सक्राइबर से रिलेटेड या फिर एडसेंस से रिलेटेड कैसा वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे भी उसी टाइप का वीडियो अपलोड करना होगा अपना चैनल पर, तब जाके जो मेरा ऑडियंस है वो मेरे चैनल पर आके उसी टाइप का वीडियो भी देखना पसंद करेंगे और इससे मेरा चैनल का व्यूज इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर चैनल डैट योर ऑडियंस वॉच का ऑप्शन है,
उस पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे बहुत सारा आपको चैनल्स देखने को मिलेगा, तो चैनल्स पे विजिट करना है, देखना है कि आपका चैनल से मिलता जुलता कौन सा चैनल है। जैसे कि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको अपना चैनल पर ब्लॉगिंग का वीडियो देखना है कि कौन कौन सा चैनल आपका ऑडियंस देखते हैं दूसरा ब्लॉगर का, तो आपको भी वैसा ही वीडियो अपना चैनल पर बनाना है ताकि आपका ऑडियंस आपका और ज़्यादा वीडियो देखे और वो आपका वीडियो वायरल हो और आपका चैनल पर व्यूज आए। तो मैंने चारों तरीका बता दिया है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जिनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते हैं वो अपना चैनल का व्यूज इजीली बढ़ा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।